खबर संपूर्ण संथाल परगना से, खबर सबसे पहले दुमका से। दुमका वो बेरमो सीट पर यूपीए का कब्जा, राज्य की दो सीटों पर हुए उपचुनाव में यूपीए गठबंधन की जय जय रही। दुमका और बेरमो दोनों ही सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह यूपीए का कब्जा बरकरार रहा। दुमका में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने भाजपा की लुइस मरांडी को 6842 वोट से हराया। वहीं कुल 18 राउंड की मतगणना के बाद बसंत सोरेन को 80,559 और लुइस मरांडी को 73,717 वोट मिले। वहीं बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल को 14,255 मतों से पराजित किया। 17 राउंड की मतगणना के बाद अनूप सिंह को 94,022 और योगेश्वर महतो को बाटुल को 79,797 वोट मिले। दुमका में जेएमएम का गढ़ ढहाने की भाजपाई मनसूबों को लगा धक्का, बेरमो भी नहीं मिली जीत। भाजपा को करारी हार तो दुमका और बेरमो दोनों विधानसभा सीटों पर मिली है, पर दुमका की पराजय ने पार्टी को अंदर तक घायल किया है। सबसे बड़ी बात तो दुमका के बहाने संथाल में झामुमो के गढ़ ढहाने के भाजपा नेतृत्व की कोशिशों को करारा धक्का लगा है। दुमका में हेमंत की विरासत पर बसंत की फुहार। दुमका विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने भाजपा की डॉक्टर लुइस मरांडी को 6,812 मतों से पछाड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विरासत को झामुमो की डोली में डाल दिया है। मंगलवार को दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में संपन्न मतगणना के 18वें के अंतिम चक्र में जब नतीजे का ऐलान किया गया तो झामुमो के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, आशा अनुरूप रहा बेरमो और दुमका का परिणाम। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस विधायक दल के नेता व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल ने बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव परिणाम को आशा के अनुरूप बताया। कांग्रेस ने बेरमो से कुमार जयमंगल और दुमका सीट से बसंत सोरेन की जीत पर दोनों को बधाई दी है। अब खबर गोड्डा से। गोड्डा में 9 केंद्र पर खरीदा जाएगा धान। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदने के लिए जिले भर में 9 केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग प्रखंड के लैम्स पैक्स को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। इच्छुक किसानों का निबंधन 15 नवम्बर से शुरू किया जाएगा। अब खबर जामताड़ा से। जामताड़ा व मिहिजाम के शहरी क्षेत्र में विशेष कोरोना जांच शिविर कल। कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव मामले एवं आगामी त्योहार को देखते हुए कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जामताड़ा एवं मिहिजाम शहरी क्षेत्र में कोविड-19 विशेष जांच शिविर 12 नवंबर गुरुवार को 9 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी DC फैज अक अहमद मुद्दार ने बताया। नगर पंचायत जामताड़ा क्षेत्र में रानी सती मंदिर के सामने दुमका रोड रेलवे साइकिंग के पास, दुमका रोड रेमंड शोरूम के सामने, दुमका रोड रिलायंस ट्रेडर्स के पास, श्याम वस्त्रालय पुरानी कचहरी परिसर, आधार सेंटर के पास, प्रखंड परिसर सुभाष चौक पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। मिहिजाम और कुंडहित क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय जुआरियों का प्रवेश। खबर जामताड़ा के कुंडहित से है। बंगाल से सटे मिहिजाम व कुंडहित क्षेत्र में दीपावली के नजदीक आते ही जुआ के लिए चौपाल सजने लगी है। कुंडहित में तो बाजी कुछ कम लगती है, पर मिहिजाम में बड़े बड़े जुआरी बड़े बड़े दांव लगा रहे हैं। कुछ बेदिया व महुल बोना में रात भर जुआ खेले जाने की जानकारी मिल रही है। इन क्षेत्रों में शाम ढलते ही रंग से राजा व राजा से रंग बनने का खेल शुरू हो जाता है। उधर कुंडहित मुख्यालय के अलावे खजूरी, अम्बा, बनकाठी, असंदिया आदि गाँव का बाहर जुआ अड्डा रोज लग रहा है। अब खबर देवघर से। दरभंगा के इन दो शिव भक्तों ने लिया है अनोखा संकल्प। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचने के बाद मांगेंगे यह मन्नत। भोलेनाथ के भक्तों की तपस्या के कई किस्से मन को आत्मविश्वास देते हैं, साथ ही भक्ति ही शक्ति का एहसास कराते हैं। भक्ति ही शक्ति का एहसास कराते हुए बाबा भोलेनाथ के नाम का संकल्प लिए समाज कल्याण के लिए दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के पिंडा रुच गांव निवासी सुप्रसिद्ध एकादश बाबा सह दंड बम नवजीत कुमार चौधरी लल्ला और संत सह दंड बम कमल कुमार चौधरी दंड काटते हुए बुधवार की सुबह देवघर के लिए रवाना हुए। एक बार दंड देने के बाद दोनों बम एक बार अपने शरीर की नाप की पूरी तक ही आगे बढ़ेंगे।
यात्रा से पहले दोनों ने अपने अपने कुल देवता की पूजा की। ई पॉस मशीन से ही होगा अनाज का वितरण। सूचना भवन में जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं सखी मंडल की दीदियों को ई पॉस मशीन संचालन की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर में तकनीकी पक्षों को समझाया गया। मंत्री रामेश्वर उरांव और सांसद सुनील कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव सुदेश हुए स्वस्थ। राज्य के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बुखार आने के कारण उन्होंने कोरोना जांच कराई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वहीं चतरा से लोकसभा सदस्य सुनील कुमार सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब खबर पाकुड़ से। कोयला चोरी पर अंकुश लगाने में पुलिस विफल। आमरापाड़ा पाकुड़ के बीच पैनम लीग रोड होकर चलने वाले हाईवा से कोयला उतारने का सिलसिला जारी है। कोयला चोरी पर अंकुश लगाने में पुलिस विफल साबित हो रही है। पुलिस यह दावा कर रही है कि काफी हद तक कोयला चोरी पर अंकुश लगा है, परंतु पुलिस का दावा और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। शादी का झांसा देकर दो बच्चे की पिता ने किया दुष्कर्म। शादी का सब्जा बाग दिखाकर बड़क्यारी निवासी नजमुद्दीन शेख ने थाना क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय युवती से 3 माह तक दुष्कर्म किया। बीते 3 नवंबर को आरोपित युवती को बहला फुसला कर बंगाल की हुगली लेते गए। सोमवार को पीड़िता के पिता थाने पहुंच नजमुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। उनका आरोप है कि आरोपित पहले शादीशुदा तथा दो बच्चे का पिता है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चाइनीज झल्लारों की जगह अब इस साल मिट्टी के दिए। जिले में इस साल चाइनीज झल्लारों के स्थान पर दीपावली पर दीपों से घर आंगन रोशन होगा। दीपावली को लेकर बाजारों में मिट्टी के दीपक पहुंच रहे हैं। कुमकार को इस साल बेहतर आमदनी की उम्मीद है। साहिबगंज के तलबन्ना के बंटी कुमार पंडित बताते हैं कि इस साल पिछले साल की तुलना में मिट्टी के दिए की मांग है। इस कारण वे ज्यादा दिया बनाकर बाजार में बेचकर आमदनी करना चाहते हैं। अब खबर साहेबगंज से। किसानों को समय पर दिलाए गेहूं के बीज व खाद। किसानों को समय पर गेहूं का बीज व खाद दिलाए, साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सम्मान का लाभ भी दिलाने का प्रयास प्रशासन करे। भारतीय किसान यूनियन साहेबगंज से जुड़े साहेबगंज प्रखंड के किसानों ने मंगलवार को रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट में बैठक में इसको लेकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया। मतदाता पुनरीक्षण में सहयोग करे राजनीतिक दल। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मद्देनजर बीटीओ दयानंद कारजी ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग की अपील की है। बीटीओ ने कहा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 19 नवंबर से शुरू होने वाले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।